अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। मेरी तरफ से सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक। रोज़ा कल का हो जाएगा या परसों का हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हो तो जाएगा ना। और दूसरा आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन टिक्का वेजिटेबल स्प्रिंग रोल की, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। और जल्दी से आपको बताती हूँ, यहाँ मैंने चिकन लिया था जिसको मैंने ना सिर्फ टिक्का मसाला लगा के और एक गिलास पानी का डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया है। ठीक है, आपने बस पानी डालना है और टिक्का मसाला डालना है और इसको बॉईल करके रख लेना है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें जाएंगी, जाहिर है बंद गोभी है, गाजर है और ये शिमला मिर्च है। स्पाइसेस में क्या जाएगा, ब्लैक पेपर है और कुटी लाल मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, नमक है और ये चिकन पाउडर है और ये लहसुन है। ठीक है, लहसुन का पेस्ट है। बाकी जाएगा सोया सॉस जाएगा, चिली सॉस जाएगा और सिरका जाएगा। ठीक है, अभी मैं इन सारी चीज़ों को डाल के जो है चिकन को निकालूंगी और लहसुन डाल के इन चीज़ों को ज़ाहिर वो करूँगी, फिर आपके साथ जो है मैं शेयर करती जाऊँगी। रमज़ान माशाल्लाह आ गया, बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह पाक हम सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। बस मैंने वो चिकन निकाल के उसी पतीले में मैंने लहसुन डाल दिया था ताकि ब्राउन कर सकूँ। लहसुन ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें जो है बंद गोभी डाल दूँगी। ठीक है, ये गई और साथ ही प्याज शिमला मिर्च डाल दूँ। ठीक है, और ये गाजर, ये डाल के ना थोड़ा सा इसको ना फ्राई करके थोड़ा सा इसको सोटे करूँगी, फिर बाद में जो है बाकी सारी चीज़ें डाल दूँगी ना बिल्कुल। ये बहुत मज़े के बनेंगे। चिकन जो है, चिकन टिक्का जो बॉईल किया था वो मैंने ऐसे श्रेड कर दी है, आप हाथों से ये कांटे से जैसे मर्जी इसको कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल पका हुआ है। इसको मैं बाद में डालती हूँ, थोड़ी देर इसको करूँगी और फिर मैं साथ में दूसरे स्पाइसिस डालूँगी ताकि ये पकता रहे। ठीक है, ये नमक है, काली मिर्च, जो भी मैंने आपको बताया, चिकन पाउडर, चिकन पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये चला गया, ठीक है, ये मैं डालती जाऊँगी, अंदाजे से दो दो चम्मच डाल दूँगी। ठीक है, आँख थोड़ी हल्की कर दी इसको मैं, और सिरका डाल दिया, ये चिली सॉस है, इसको मैं खोल लूँ ज़रा क्योंकि ये ख़त्म हो गया था, ये रात में जाके लेके आई हूँ। बस क्योंकि ये सारी वेजिटेबल है और ये स्टीम में ही हो जाएंगी और हमें इसको ज़्यादा कुक भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, ज़रा क्रंची रहे, गाजर भी, बंद गोभी भी और शिमला मिर्च भी। ठीक है, अभी इसको जो है मैं थोड़ी देर ढक दूँगी, फिर बाद में जो है ये चिकन जो है वो इसमें डाल दूँगी। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर ये वेजिटेबल्स को मैंने जो है सोते की है और अब मैं इसमें ये चिकन डाल रही हूँ। ठीक है, सारी सब्ज़ियाँ जो है बारीक कटी हुई हैं और जल्दी जल्दी हो जाती है। चिकन टिक्का का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और दूसरा जो है ना, यकीन करें अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें से। बस अभी मैं थोड़ी देर रखूँगी दम पे, फिर बंद कर दूँगी चूल्हा। ठीक है, बस यहाँ जो है ना मैं रोल बना रही हूँ। ठीक है, और हाँ चम्मच के साथ मैं इसको रख लूँगी इधर, जितना आप लोगों ने डालना हो आपकी चॉइस है, मेरा ख्याल है ये इतना बहुत है। ठीक है, करूँगी ब्रश के साथ। ये मैदे और पानी का जो है ना ये घोल मैंने बना लिया था, कुछ लोग अंडा भी यूज़ करते हैं लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैदे के साथ बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है ना। इस तरह बना के
सारे रोल जो है ना मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी, ठीक है। कोई भी वो ये टाइट बॉक्स लेके तो इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और बस जल्दी जल्दी इनको बनाती जाऊँगी। क्या कहते हैं और ये है कि वीडियो मैं अपनी ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर सारे बनाती जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।